नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को हराकर एक बार फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट चुकी है। इसका ताजा उदाहरण जीएसटी संग्रह ने किया है। देश में सकल जीएसटी संग्रह मार्च 2022 के दौरान 1.42 लाख करोड़ रुपए के अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 1260 नए मामले सामने आए हैं। कल 1335 नए मामले सामने आए थे, वहीं 1404 लोग इस दौरान कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए और 83 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ अब कुल कोरोना मामले 4,30,27,035 हो गए हैं और कुल जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,264 पर पहुंच गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं से मुलाकात भी की। देवा 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। भारत नेपाल संबंधों के लिहाज से यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक्टर विल स्मिथ का नाम चर्चा में बना हुआ है। द मैन इन ब्लैक के अभिनेता विल स्मिथ वैसे तो काफी मशहूर हैं। दुनिया भर विल स्मिथ की बड़ी फैन फॉलोइंग है। लोग उनके दमदार अभिनय और फिल्मों के प्रशंसक हैं, लेकिन इन दिनों अपने अभिनय के लिए नहीं बल्कि ऑस्कर से जुड़े एक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच उनसे जुड़ी एक खबर और आई है जो उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका है। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विल स्मिथ ने अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक विश्लेषक से पता चला है कि भारत ने औसतन 121 वर्षों में अपने सबसे गर्म मार्च के दिनों को दर्ज किया है। जी हां, देश के 121 सालों में मार्च 2022 सबसे गर्म महीना रहा है। मार्च 2022 में देश भर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.86 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। रिकॉर्ड तोड़ने वाला आंकड़ा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान का रहा। मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग्स मामले में गवाह रहे प्रभाकर सैल का शुक्रवार को निधन हो गया। उनके वकील तुषार खानदारे के मुताबिक चेंबूर के माहौल इलाके में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई है। बता दें कि प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े पर मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद समीर वानखेड़े पर जांच शुरू हो गई। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के लिए भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने शनिवार को 40,000 टन डीजल श्रीलंका भेजा है। सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष सुमित विजय सिंघे ने कहा है कि ईंधन का वितरण आज शाम फिर से शुरू हो जाएगा। गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स के शेयरों में शुक्रवार को बाजार में अच्छा उछाल दिखा। शेयर ने शुक्रवार को इंट्राडे ट्रेड में बीएसई पर 7% की बढ़त हासिल की और इसके साथ ही 959 रुपए का रिकॉर्ड स्तर हासिल किया है। पिछले एक महीने में शेयर ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस स्टॉक में S&P बीएसई सेंसेक्स में 5% की बढ़त की तुलना में 51% की तेजी आई है। पिछले एक साल में बेंचमार्क इंडेक्स में 18% की बढ़ोतरी के मुकाबले इसमें 170% का उछाल नजर आया है। राजधानी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा टल गया है। सुबह 9:05 पर रांची से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट जब टेक ऑफ के लिए स्पीड पकड़ रही थी, उस वक्त एसी बंद हो गया और जोर की आवाज सुनाई दी। इसकी वजह से विमान में सवार यात्री चीखने चिल्लाने लगे। राहत की बात यह है कि पायलट ने बिना वक्त गवाए टेक ऑफ के प्लान को टाल दिया। फिलहाल विमान को बे पार्किंग में ले जाया गया था। सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया और विमान की जांच की जा रही थी। राजनीति में अगर निरंकुशता आ जाए और पूरा का पूरा देश अगर एक परिवार के हाथ में आ जाए तो देश की दुर्दशा क्या हो सकती है, इसका अंदाजा श्रीलंका को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। श्रीलंका की सत्ता पिछले 2 दशकों से ज्यादा वक्त से राजपक्षे परिवार के पास है और इस परिवार की 3 पीढ़ी के लोग इस वक्त भी श्रीलंका की सत्ता में मौजूद है, जिसके कारण आज श्रीलंका की हालत बदहाल हो गई है। आईटी सर्विसेज से जुड़ी भारतीय कंपनी इन्फोसिस रूस में अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है। बिजनेस टुडे ने बीबीसी की एक रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी। ये डेवलपमेंट ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक इन्फोसिस में अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के माइनॉरिटी स्टेक को लेकर के कई तरह के सवालों का सामना कर रहे हैं। देशों में कैद भारतीयों की संख्या कम नहीं है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में आंकड़ा जारी किया है। लोकसभा में जारी सरकार की रिपोर्ट कहती है कि विदेशी जेलों में कुल 8,278 भारतीय कैदी हैं। इनमें से 156 ऐसे हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में बताया है सबसे ज्यादा 1,480 भारतीय कैदी संयुक्त अरब अमीरात में है।
पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के साथ केंद्र सरकार के सुलूक का पता पठानकोट हमले के बाद के उसके रवैये से समझा जा सकता है। पठानकोट के बाद सेना पंजाब आई थी और आतंकियों का मुकाबला कर उन्हें ढेर किया था। कुछ दिनों बाद चिट्ठी मिली कि पंजाब हमें यानी कि केंद्र सरकार को 7.5 करोड़ रुपए दे क्योंकि हमने सेना भेजी थी। पाकिस्तान सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए भारत के साथ सभी विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को संवाद का उद्घाटन किया। सम्मेलन में व्यापक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की पुनर्कल्पना विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में उभरती चुनौतियों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में पाकिस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। झारखंड में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड CCL ने पिछले वित्तीय वर्ष में 6.88 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया है जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। CCL के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। CCL के अध्यक्ष सह महाप्रबंधक PM प्रसाद ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि CCL ने कोयला उत्पादन के अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कोरोना के बाद संकट से निकल रही ऑटो इंडस्ट्री पर इस बार रूस यूक्रेन युद्ध का ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान बुरी तरह से प्रभावित वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग की सप्लाई चेन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण और बाधित हो सकती है। संसद को शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। वित्त वर्ष 2020-21 में जो लोग मल्टी बैगर शेयर से कमाई करने से चूक गए थे ऐसे निवेशकों के पास वित्त वर्ष 2021-22 में कुछ शेयरों से तगड़ा पैसा कमाने का मौका था। इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा कि शेयर बाजार में आई लिक्विडिटी यानी कि लोगों ने जमकर पैसा लगाया है। इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 में 190 से अधिक शेयरों ने 2360% तक की बढ़ोतरी हासिल की। दिल्ली सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना को मंजूरी दे दी है। इससे आने वाले दिनों में जो लोग दिल्ली के बाहर से यहां काम करने आए हैं उन्हें किराए पर सस्ते फ्लैट्स मिल सकेंगे। 2 साल से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना का विरोध हो रहा था लेकिन अब इस योजना को मंजूरी मिल गई है। ऐसे में दिल्ली में यूपी बिहार से आने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को खासा फायदा होगा। झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों को अप्रैल फूल बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई मजदूरी के बावजूद झारखंड के मजदूरों को पुराने दर पर ही मजदूरी मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को मजदूरी दर में 12 रुपए का इजाफा किया है जिसके बाद केंद्र की तरफ से 210 रुपए की मजदूरी मिलेगी। अगर साल 1971 में रूस भारत की मदद किए अपने जहाज नहीं भेजता तो आज भारत की स्थिति कुछ और हो सकती थी और अगर कश्मीर पर रूस एक के बाद एक वीटो का इस्तेमाल नहीं करता तो कश्मीर पर भारत का पोजीशन भी कुछ और होता और वो अमेरिका ही है जिसके बल पर पाकिस्तान ने एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार भारत पर हमला करने की गुस्ताखी की और वो रूस ही है जो बार बार बिना किसी स्वार्थ के भारत की मदद के लिए खड़ा रहा और अब बारी भारत की एहसान चुकाने की और भारत वही कर रहा है भले ही तरीका थोड़ा अलग है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज शनिवार को ऐतिहासिक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते से भारत को आर्थिक लाभ मिलेगा। कई सारे प्रोडक्ट्स को ऑस्ट्रेलिया अपने बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा। करीब 10 साल बाद भारत ने किसी विकसित देश के साथ इस प्रकार का व्यापार समझौता किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टरों के डायमंड जुबली के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों की घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती सेल ने पूर्वी रेलवे के कई मंडलों के लिए अप्रेंटिस ट्रेन के लिए भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन के अनुसार 2972 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ये भर्तियां पूर्वी रेल के अलग अलग मंडलों के लिए की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस 11 अप्रैल से शुरू होगी। कैंडिडेट्स केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcer.com पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय बीते दिन औरंगाबाद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने स्वीकार किया है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में हो रही वृद्धि से जनता पर बोझ बढ़ रहा है लेकिन इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दोषी नहीं है। रॉय ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के पीछे असली वजह रूस यूक्रेन में चल रहा युद्ध है। युद्ध के कारण केंद्र सरकार को देश की जरूरत को पूरा करने के लिए अधिक कीमत पर कच्चे तेल का आयात करना पड़ रहा है। विश्व में कोविड के मामले बढ़कर 48.94 करोड़ हो गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या करीब 61.4 लाख लोगों तक पहुंच गई है जबकि वैक्सीन की 10.97 अरब डोज दी जा चुकी है। ये जानकारी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा की है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने शनिवार सुबह नए अपडेट में बताया कि वर्तमान वैश्विक मामलों और कोविड से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर क्रमशः 48.94 लाख 88,932 और 6.14 लाख 7,938 हो गई है। वहीं टीकाकरण की कुल संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है।
संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 शुक्रवार को लोकसभा में पारित हो गया। 30 मार्च को राज्यसभा ने झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में भोक्ता समुदाय को हटाने के लिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया। इस समझौते के तहत कपड़ा, चमड़ा, आभूषण और खेल उत्पाद जैसे 95% से अधिक भारतीय सामानों के लिए कैनबरा बिना शुल्क के अपने बाजार उपलब्ध करवाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलियाई व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान ने हस्ताक्षर किया। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता जहांगीर खान तारीन ने शनिवार को घोषणा की है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन के नेता हमजा शहबाद का समर्थन करेंगे। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। कुल 18 पदों पर नियुक्तियां होने वाली है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो NTRO की आधिकारिक वेबसाइट ntro.gov.in के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख रोजगार समाचार से इस भर्ती सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर है। केंद्र सरकार के कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने सरकारी बंगला खाली करने की इच्छा जताई है। इन मंत्रियों की जगह ये बंगले वर्तमान मंत्रियों को आवंटित किए जा चुके हैं। जल्द ही ये पूर्व मंत्री अपनी पात्रता श्रेणी के आधार पर आवंटित बंगलों में चले जाएंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी बंगले खाली करने की इच्छा जताने वाले केंद्र सरकार के 5 पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनमें प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है श्वेता कुमारी, नन्न कुमार, दिलीप कुमार यादव, प्रिया यादव, सोनी कुमारी, दिवाकर सिंह, अखिलेश कुमार, अमन कुमार, सोनाली सिंह, कपूर शाहिद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश में घूमने वाला सबसे मशहूर स्थान कौन सा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।